Hello students, how are you all? What about your English exam held today? I am talking about 10th class exams which are going on. Aur aaj aapne face kiya hai English ka question paper, to main janna chahunga, aap bhi janna chahenge ki aapne kaisa attempt kiya hai, sahi attempt kiya hai ya nahi kiya hai. Set B aur D ki tarah उनको हल करने के बाद जिसका लिंक उस आई बटन पर क्लिक करने पर आपको मिल जाएगा, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट ए. चलिए देखते हैं कि उसका आंसर क्या आपको लिखना चाहिए था. आप टैली कर लें, जान लें कि आपका ये कितना ठीक है और आपके 12 में से कितने अंक आने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी 12 on 12 और नॉट, मुझे ज़रूर बताइएगा. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन फोर होता है आपका ग्रामर पोर्शन. हम देख लेते हैं सबसे पहले उसमें क्या पूछा गया था. ए सेगमेंट में चलते हैं, ए सब पार्ट में, जो कि होता है टेंस को लेकर, जिसमें तीन सेंटेंस आपको दिए जाते हैं और आपने करने होते हैं एट लीस्ट टू, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. तो फर्स्ट वन था व्हाट यू डैश डू इन द आफ्टरनून, क्वेश्चन मार्क लगा है, डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो रहा है. क्या है, कभी आपने अपने दोस्त से पूछा है कि आज दोपहर को आप क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस. क्या लगता है उसमें, इज एम आर, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग. अब आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा. तो यहाँ पर इस तरह बनेगा व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून. अगर आपने ऐसे लिख दिया है व्हाट यू आर डूइंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो मुझे जानना है कि किस किस ने इस तरह से अटेम्प्ट किया है और एक नंबर को आपने कंफर्म कर लिया है. मुझे बताएं कि आपका ठीक है कि नहीं. अपना नाम लिखिए, स्कूल का नाम भी लिखिए. दूसरे पर आइए, यू डैश लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वंस अगेन इंटेरोगेटिव. देखो एग्जामिनर कितना डिफिकल्ट रखा है उसने आपके लिए, असर्टिव नहीं दे रहा है वो, इंटेरोगेटिव ही दे रहा है. चलिए कोई बात नहीं, तो आप देखिए, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, क्वेश्चन मार्क है ना. तो शुरू कहाँ से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, डू या डज लगता है. यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है. वाई को आप क्या कर देंगे, स्मॉल कर देंगे. यहाँ पर डू यू और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सिंपल प्रेजेंट बनाइए इसको, इंटेरोगेटिव है जिसमें डू या डज लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ईएस लगता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में वो भी नहीं लगता है. तो यहाँ पर आप बनाएंगे डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आप किसी से पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग समवन. डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, कि क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है. तो इसको भी आप पहले वाक्य को आपने बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूस, सही रहेगा. दूसरे को बनाइए सिंपल प्रेजेंट, सही रहेगा. चलिए तीसरे को देख लेते हैं, आई डैश लिव हेयर सिंस 1958. अब आप इस सिंस पर, अब आपकी नज़र इस सिंस पे जानी चाहिए. सिंस आपके लिए क्लू है, सिंस जहाँ आ जाए, फॉर आ जाए, आपने क्या मानना है उसको, कि मैं यहाँ रह रहा हूँ कब से, 1958 से, एक काम जो शुरू हुआ था 1958 में और 2020 में भी जारी है. आज जब आपने मार्च 12, 2020 को क्वेश्चन पेपर ये दिया है, आपने ये एग्ज़ाम दिया है, तब भी मैं वहीं रह रहा हूँ. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या लगता है उसमें, हैज़ बीन और हैव बीन, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी. आईएनजी कैसे लगेगा, एल आई वी ई हम यहाँ नहीं लगाएंगे, आईएनजी ई उड़ जाएगा. तो ये बनेगा आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1958. तो पहला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने पर, दूसरा सिंपल प्रेजेंट बनाने पर और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने पर आपके ये बिल्कुल 2 out of 2 आ जाने चाहिए. मुझे बताइए आ रहे हैं कि नहीं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर.
फोर्थ क्वेश्चन के ग्रामर सेक्शन के सब पार्ट बी में, जिसमें तीन सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा है, आई मेट हर लास्ट ईयर। तो देखिए कैसे हल करेंगे। मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है फुल स्टॉप लगा है, ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, सिंपल मोहन सेड दैट, मोहन यहाँ रहेगा, सेड यहाँ रहेगा, मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाइए, मोहन सेड दैट। अब आप देखिए आई आया है यहाँ पर, आई इज फर्स्ट पर्सन, आपको याद है सन वाला फार्मूला, एस ओ एन, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब का और रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट देखिए आप, आई है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विच इज मोहन। मोहन क्या है, लड़का है, तो आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट मोहन सेड दैट ही। अब आप यहाँ देखिए सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, आपने देखा तीन तरह की बातें होती हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन आपने चेंज कर दिया, चेंज ऑफ टेंस है ना, और चेंज ऑफ एडवर्ब भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मोहन सेड दैट ही, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच के सिंपल पास्ट को किससे बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो आप लिखिए ही हैड मेट, जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या बनेगा, मोहन सेड दैट ही हैड मेट हर लास्ट ईयर। अब आप देखिए चेंज ऑफ एडवर्ब में क्या होता है, लास्ट को किसमें बदल देते हो आप, प्रीवियस में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर और फुल स्टॉप। तो क्या आंसर बना इसका, मुझे बताइएगा कि आपका ठीक है कि नहीं। मोहन सेड दैट ही हैड मेट हर द प्रीवियस ईयर, द जरूर लग जाएगा यहां पर, दिस वे। सेकंड देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, विल यू लिसन टू मी क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले नजर कहां पड़नी चाहिए आपकी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में देखिए, जानिए आप इज इट असर्टिव, इज इट इंटरोगेटिव, इज इट एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव है, व्हाट इज इट। तो यहां पर आप देख रहे हैं इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेशन के बाद यहां पर नजर पड़नी चाहिए किससे शुरू हो रहा है, इज इट स्टार्टिंग विद एनी मॉडल वर्ब, इज इट स्टार्टिंग विद एनी मॉडल ऑक्सिलरीज, और इज इट स्टार्टिंग विद एनी हेल्पिंग वर्ब, और इज इट स्टार्टिंग विद एनी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विल से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं, तो ही सेड है, ही का ही रहेगा, सेड है, इंटरोगेशन है, तो उसने सेड नहीं किया है बल्कि आस्क किया है, और सेकेंड फॉर्म लगाइए ही आस्क। यहाँ पर अगर ये इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच से नहीं शुरू हो रहा है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, ही आस्क्ड इफ यू, ही आस्क्ड, आप ये मान लीजिए कि उसने किसी बॉय को बात कर रहा है वो, ही सेड, तो आप इफ ही, विल किस में बदल जाता है, वुड में, तो इफ ही यहां पर क्या बन जाएगा, वुड लिसन टू, अब यहाँ पर देखिए मी है, मी इज फर्स्ट पर्सन विच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट विच इज ही हियर, तो यहाँ बन जाएगा इफ ही वुड लिसन टू हिम, और यहाँ ये इंटरोगेटिव नहीं रहेगा बल्कि हम यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आंसर बनता है ही आस्क्ड इफ ही वुड लिसन टू हिम, ठीक है। तो देखिए आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, सोनाली सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डिड यू फाइंड इट, तो इसका देखिए अब आप सबसे पहले नज़र जाएगी आपकी, आपने देखा कि ये इंटरोगेटिव है रिपोर्टेड स्पीच में, और शुरू कहाँ से हो रहा है, डब्ल्यू एच से, तो ऐसे में क्या होता है, डब्ल्यू एच ही फैमिली का वर्ड ही नीचे उतरता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ नहीं लगता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सोनाली आस्क्ड, सोनाली
सोनाली आस्क्ड, और अब आप वेयर को नीचे उतार लीजिए, वेयर डिड यू फाइंड इट, सोनाली आस्क्ड वेयर ही कर लो यहाँ पर, ही हैड, अब डिड है ना, डिड है तो सिंपल पास्ट है ये, तो यहाँ पर लगाइए हेल्पिंग वर्ब डिड थी तो किसमें बदल जाएगी, हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वेयर ही हैड फाइंड फाउंड, और इट को किसमें बदल देंगे, दैट में, ठीक है बेटे, इट को किसे बदल दिया हमने, दैट में बदल देंगे और फुल स्टॉप आ जाएगा। नाउ दिस सेंटेंस विल नो मोर बी रिमेन एज इंटरोगेटिव, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा, आप बताइए कि आपको यहाँ भी दो में से दो मिल रहे हैं कि नहीं, और अब तक इस तरह से आपने चार में से चार ले लिए हैं या नहीं ले लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं सब पार्ट थ्री की ओर, सब पार्ट सी और डी, जिसमें आर्टिकल और मॉडल पर आपको एक्सरसाइज दी गई थी, तीन तीन दोनों के दिए हुए थे, आपने दो करने थे। मॉडल में अच्छी बात ये थी आपको ऑप्शन भी दिए गए थे, तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकल, ये बड़े आसान थे, मैं आपको बता देता हूँ, टैली कर लें आप, I8 dash orange, ऑरेंज क्या है, काउंटेबल नाउन है, यस, और आगे क्या लगा है, ओ लगा है, ए ई आई ओ यू के आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो यही फार्मूला यहाँ लागू होगा, सही किया आप सब ने, ये तो इजी था। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दिस इज डैश फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, तो इसके अंदर क्या क्लू है, अगर इसके अंदर ओ क्लू था, काउंटेबल नाउन आपने पहचाना, यहाँ पर ये क्लू है, आप देखिए कि इन सभी 18 सेंटेंसेस में, चाहे वो आर्टिकल के हैं या मॉडल के हैं, टेंस के हैं, सभी में एक क्लू छिपा है, वो आपने पहचानना होता है, वो आपको हिंट है कि इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए आप, दिस इज फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ऑर्डिनल नंबर जिसमें पोजीशन बताई जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसमें हमेशा हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, द लगाते हैं, दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, सही किया, इजी है ना, ठीक है। चलिए, डैश ट्रिब्यून इज अ डेली न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून, क्योंकि न्यूज़पेपर के नाम के आगे, रिवर के नाम के आगे क्या लगता है, द लगता है, द ट्रिब्यून, और द ट्रिब्यून तो हमारे रीजन का बेस्ट इंग्लिश डेली भी है, वाकई पूरा नाम भी उसका द ट्रिब्यून है, और वैसे भी ट्रिब्यून आप मानिए एक न्यूज़पेपर है, और उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, इजी गोइंग। तो यहाँ भी आपने टू में से टू लिए हैं कि नहीं लिए हैं, मैं नहीं जानता आपने पहला और दूसरा किया है, या फिर आपने दूसरा और तीसरा किया है, या फिर आपने पहला और तीसरा किया है, लेकिन ये इजी थे तीनों ही, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें आपने दो में से दो ले लिए हैं, और अब तक छः में से छः हो गए होंगे आपके, मुझे बताइए। मॉडल पर चलते हैं, देख लेते हैं क्या है, अ डॉग डैश यूजली ओबे हिज मास्टर, अब आप देखिए जो ये यूजली आ गया ना, इसने आपके लिए, एग्जामिनर ने आपके लिए कन्फ्यूजन डाल दिया है, अ डॉग मस्ट ओबे हिज मास्टर, यहाँ देखिए विल कैन मस्ट, लेकिन जो यूजली आ गया ना, अब यूजली और मस्ट का कॉम्बिनेशन जचता नहीं है, अ डॉग मस्ट यूजली ओबे हिज मास्टर, आमतौर पर मानना चाहिए, ऑब्लिगेशन है तो यूजली क्यों लगाया है, आपका टेस्ट लेना चाहता है एग्जामिनर, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अ डॉग विल यूजली ओबे हिज मास्टर, आप इसको सिंपल स्टेटमेंट बनाइए कि आमतौर पर एक डॉग अपने मालिक का कहना मानेगा, यूजली ना होता फिर आप मस्ट लगाते, ठीक है। चलिए, आई डैश रादर हैव कॉफी देन टी, चाय की बजाय मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा, यहां पर ये क्लू है, रादर देन आ जाए, जहां पर रादर देन आ जाए क्या लगेगा, वुड लगेगा, है ऑप्शन में, वुड शुड कुड, यस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यहां भर दीजिए वुड, आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी, आपके घर कोई आया, आप पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, तो वो क्या रिप्लाई करता है, आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी, तो ये आपकी लाइफ रूटीन से उठाइए,
जानिए इनको, ये आपके लाइफ रूटीन से अलग नहीं है। ग्रामर बेशक है ये, लेकिन हमारे और आपके जीवन में रोज़मर्रा के ये सेंटेंस हैं जो हम बोलते हैं, उन्हीं में छुपा होता है आर्टिकल भी, उन्हीं में छुपा होता है मॉडल भी, पहचानिए आप। नेक्स्ट इज डैश यू सक्सीड इन एग्जाम्स। 10th क्लास, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षाओं में सफल हों, मेरी ये इच्छा है, मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है। लास्ट में क्लू क्या है, एक्सक्लेमेटरी लगा है, ऑप्शन क्या है, मे कैन वुड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मे इज द राइट आंसर। मे यू सक्सीड इन एग्जाम तथास्तु, सफल हो, तो यहाँ पर मे, तो इजी थे ये। यहाँ भी मुझे लगता है आपने 2 में से 2 लिए हैं और 8 में से 8 अब तक आपके हो जाने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं लास्ट 2 सब पार्ट्स में। सब पार्ट ई और एफ में एग्जामिनर ने आपके लिए क्या रखा है। 4th ई में पूछा गया था जीरेंड और इन्फिनिटिव। हैव योर क्वेश्चन पेपर इन योर हैंड्स, उसमें भी देखते रहो या आंसर लिखते भी रहो, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप, हिज मदर अलाउड हिम, अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव आएगा या फिर जीरंड आएगा, जिसमें हम ing लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पर क्या आएगा, हिज मदर अलाउड हिम, यहाँ पर क्लू क्या है, आप कहते हो सर, आप कहते हो क्लू है, यहाँ पर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं प्यारे बच्चों जिसमें हम 2 इन्फिनेटिव लगाते हैं। अब आप देखिए उस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट भी आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया है, तो अलाउड जो है ऐसी ही वर्ब में से एक है जिसमें हम 2 लगाते हैं, 2 इन्फिनिटिव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू का डू रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिज मदर अलाउड हिम टू डू एज ही लाइक्ड, उसकी माता ने सहमति जताई कि जाओ वो कर लो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है बच्चों। तो ये है ही अवॉइड्स डैश मीट मी, तो इसमें क्या बनेगा, ही अवॉइड्स, यहां भी देखिए आप, अवॉइड उन वर्ब में से एक है जिसके साथ जीरण लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। तो आप ये नहीं कहेंगे ही अवॉइड्स टू मीट मी, ही अवॉइड्स मीटिंग मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing जीरण, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट है, ing साथ में लगेगा, दिस इज द राइट आंसर, ठीक किया आपने। देखो जरा, द टीचर मेड हिम डैश रिपीट द एक्सरसाइज, अब ये आप देखिए नई बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेक जो है मेक, तो आप देख रहे हैं मेक ऐसी वर्ब है जिसके साथ ना तो 2 इन्फिनिटिव आता है ना जीरेंड आता है, बल्कि बेयर इन्फिनिटिव आता है, यूं कि यूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी है, ना इसमें 2 लगेगा ना ing लगेगा। द टीचर मेड हिम क्या रिपीट द एक्सरसाइज, टीचर ने उसे एक्सरसाइज दोबारा करने को कहा, तो पहले में 2 इन्फिनिटिव, दूसरे में जीरेंड और तीसरे में बेयर इन्फिनिटिव, तीनों एग्जाम्पल दे दिए। एग्जामिनर इज क्लेवर, यू शुड बी स्मार्ट। बढ़ते हैं लास्ट सब पार्ट की ओर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम नहीं है वो भी, ये आपका सबसे पसंदीदा है, यू लाइक इट मोस्ट आई नो। पंक्चुएशन देखिए, मार्क्स भी कटते हैं, बनते भी हैं, इसमें कहाँ गलती करते हो देखिए आप। अलास I have injured my foot. हे भगवान, मैंने अपना पैर जख्मी कर लिया, said the boy. डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है ये, डायरेक्ट स्पीच कैसे शुरू होती है, इन्वर्टेड कोमा से, और रिपोर्टेड स्पीच जो है ख़त्म होती है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे, कोमा डालेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब शुरू होती है, said the boy. Examiner is clever. कि वो रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख रहा है, और पंक्चुएशन में आपको डायरेक्ट स्पीच दे रहा है, आसान नहीं दे रहा है वो,
वो आपके मार्क्स काट लेना चाहता है. यू हैव टू बी स्मार्ट स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स यू बोथ. चलिए देखिए, अलास, अलास का ए बड़ा हो जाएगा. अलास के बाद क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी लगता है. आई छोटा दिया है. देखिए कभी भी जो लोन आई होता है वो अकेला नहीं होता है. प्रोनाउन आई जो है, आई हैव इंजर्ड माई फुट, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी आएगा. सेड द बॉय, और यहाँ लास्ट में भी फुल स्टॉप आएगा. तो कितने मिस्टेक हुआ कि आपको एक नंबर मिलेगा? इन्वर्टेड कॉमा शुरू नहीं किया था, ए छोटा था, एक्सक्लेमेटरी नहीं था, आई को स्मॉल किया था. फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इन्वर्टेड कॉमा बंद भी हो रहे थे, और लास्ट में फुल स्टॉप. तो एट, एट मिस्टेक्स जो इसमें रखी गई थी एग्जामिनर द्वारा, उनको आप हल करते तो आपको एक नंबर मिलता. तो इट्स नॉट दैट ईजी जो आप सोचा करते थे. ठीक है, तो देखिए आप क्या ये आठ गलतियां ढूंढ पाए. नेक्स्ट में चलते हैं. आर यू गोइंग टू गुजरात? आर यू गोइंग टू गुजरात? पेपर खत्म होने वाले हैं ना, कहाँ जाने वाले हो आप? आर यू गोइंग टू चंडीगढ़? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आर यू गोइंग टू गुजरात? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस इन इंग्लिश इज कैपिटल, बी इट इंटरोगेटिव, नेगेटिव और असर्टिव. तो यहाँ पर आर यू गोइंग टू गुजरात, एंड गुजरात इज नेम ऑफ अ स्टेट, इंडिया की एक स्टेट है गुजरात का, जी बड़ा आएगा. तो इसमें थी तीन गलतियाँ. मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये तीनों ढूंढ ली होंगी. चलिए बढ़ते हैं. टीना, माय सिस्टर हैज़ डन हर एमए इन इंग्लिश. तो टीना, टीना के बारे में बता रहे हैं ना, तो कोमा लगाइए, टी को बड़ा कीजिए. दो कारणों से बड़ा होगा टी, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला लेटर भी है, प्लस ये एक प्रॉपर नाउन भी है, नेम ऑफ अ गर्ल, टीना. टीना माय सिस्टर, अब ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लाज है. माय सिस्टर ना भी हो तब भी सेंटेंस सेंसिबल है. ये सिर्फ उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं टीना की, टीना माय सिस्टर, इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन के दोनों तरफ हम कोमा लगाते हैं. टीना माय सिस्टर हैज डन हर एम ए. अब देखिए एम छोटा है, डिग्री जितनी भी होती है फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप. इन इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, ई विल बी कैपिटल एंड फुल स्टॉप. तो इसमें कितना मिस्टेक ढूंढा आपने? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. तो यहाँ पर नाइन. तो दो नंबर कब मिलते हैं? जब आप आठ और तीन ग्यारह और नौ बीस, बीस गलतियाँ ढूंढोगे. कोई से अगर आपने पहला और दूसरा किया है तो ग्यारह गलतियाँ ढूंढनी थी, दूसरा और तीसरा किया है तो 12 गलतियां, अगर पहला और तीसरा किया था फिर तो 17 गलतियां आपको ढूंढनी थी और दो नंबर मिलने थे. पूरे आपने ले लिए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 12 बटे 12 हासिल कर लिए होंगे. मुझे बताइए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं. इज इट 12 ऑन 12 और 11 और 10 व्हाटएवर. अपना नाम लिखिए, स्कूल का नाम लिखिए. मुझे बताइए आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा. अब आप दसवीं के बाद ग्यारहवीं में होने वाले हैं, ये सब वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी तैयार हैं. आ जाइए आप मेरे चैनल पर रहिएगा. प्लस वन के भी प्लस टू के भी वीडियोस आपके लिए तैयार हैं. वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर भी करना. मैं आने वाला हूँ. सेट ए, बी और डी हो चुका है, सी सेट रह गया है. सी सेट के बच्चों के लिए मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ. तब तक बने रहिए मेरे साथ. बाय बाय, थैंक यू.